बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ हो जाती है रिलायबिलिटी, जो कि हीरो में आपको ठूस ठूस के। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीटी टॉक्स में। मैं हूं आप सभी का दोस्त साहिल, और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो पैशन प्रो एक्सटेक की डिटेल रिव्यू, जहां पर मैं आपको इस बेहतरीन लुकिंग 110cc बाइक की डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि यहां पर आपको क्या क्या अपग्रेडेशन मिल जाएगी और इसकी माइलेज क्या है, प्राइस क्या है, और साथ ही में क्या 110cc में आपके लिए कितनी वर्थ करती है, उसके बारे में हम आज डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करें, वहाँ पे आपको सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो है ये DRL लाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी एच शेप में, यानी कि हीरो के लोगो के शेप में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपकी मेन लाइट है, और नीचे की तरफ जो आपकी डीपर है यानी कि हाई बीम लो बीम है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ से पैसिंग प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके का थ्रू आप यहाँ पे वॉल पे देख सकते हो। आपको पूरे दिन के टाइम पे भी इसका थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका पर्सनली जो हेडलैम्प सेक्शन है ना, वो पर्सनल माय फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कंसिस्टेंट से डिजाइंस देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हीरो की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, हालांकि वो आपको एक काफ़ी कन्वीनियंट सी जगह पे देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके हीरो का जो 3D लोगो है उसे अंदर की तरफ रखा गया है, जो कि एक काफ़ी नोटिसेबल चीज़ यहाँ पे इसे 3D वाली जो फील है वो पूरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट एंड में, तो जो इसका वाइजर है वो भी काफ़ी पहले से छोटा हो चुका है। वाइजर पे आपको यहाँ पे LED टैग, यानी कि जो ये हेडलैम्प है इसे हीरो का नाम दिया गया है, LED टैग यहाँ पे वो सिस्टम देखने को मिल जाती है हेडलैम्प में। आप यहाँ पे दोनों ही इंडिकेटर्स देखोगे, इंडिकेटर्स दोनों आपको बल्ब में ही मिलते हैं, क्योंकि ये हीरो वालों को इसे कॉस्ट कटिंग तो ना बोल के हम इसे बोलते हैं प्राइज एडजस्टमेंट, क्योंकि इस प्राइस पे अगर ये सारी ही लाइट LED प्रोवाइड करवा देंगे ना तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। और इसकी प्राइस भी, अगर इसके साइड इंडिकेटर्स भी मैं अगर कंपनी में से अपग्रेड करवा दूँ LED में, तो भी इसकी प्राइस में 4,000 से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी 100% की है। सो इसीलिए यहाँ पे हीरो अभी भी स्टिल आपको बल्ब वाले ही इंडिकेटर्स प्रोवाइड करवाता है। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे जो इसका व्हील है वहाँ पे कोई ज़्यादा डिजाइनिंग देखने को नहीं मिलती, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्प्लेंडर में थी, सुपर स्प्लेंडर में, उस तरीके की कोई डिजाइनिंग यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सिंपल सा वही स्पोकी व्हील जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 18:100 स्पीड रेशियो का 18 इंच का टायर प्रोवाइड कर दिया जाता है। C8 का टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट वाइज या तो फिर अगर हम बाइक के इंजन वाइज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये टायर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देने वाला है, ना ही तो ये छोटा है टायर देखने को मिलता है और ना ही बड़ा टायर है, एकदम इसकी साइज के फिटो फिट आपको यहाँ पे टायर प्रोवाइड कर दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी, जिससे कि अगर आप फ्रंट या रियर दोनों में से कोई भी ब्रेक अप्लाई करोगे तो उसका थोड़ा बहुत जो 40% होगा वो पीछे के व्हील में भी अप्लाई होगा, जिससे कि बाइक स्कीड करने के चांसेस काफ़ी हद तक डिफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन सेटअप की, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हीरो की बाइक में कोई देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इन सभी बाइकों में सबसे बेहतरीन चीज़ होती है इनका जो सस्पेंशन ट्रैवल है, वो आप ट्रैवल गैप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट भी आएगी, फिर भी अगर आप हायर बम्प भी लोगे तो भी उसे नीचे टच करने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी सारी बाइक्स में प्रॉब्लम आती है कि ये जो नंबर प्लेट है वो नीचे की तरफ टच करती है और इस पर भी यहाँ पे जो मार्क्स है वो आ जाते हैं, लेकिन इसमें वो चांसेस मेरे को काफ़ी हद तक कम लग रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रैटलिंग नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ हो जाती है। अगर हम बात करें आगे की तरफ, सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी बाइक के मेन पॉइंट यानी कि इसकी 110cc के इंजन की तरफ। अभी ना एक चीज़ मुझे ये बाइक्स में समझ नहीं आती, हालाँकि यहाँ पर जो इसके साइड गार्ड्स हैं वो इसकी जो क्या बोलते हैं हम उसे लुक को इन्हेंस कर देते हैं, बट इससे क्या होता है ना, अगर आप कोई भी छोटे बच्चे को भी आगे बिठाना चाहोगे तो पहली बात तो वो इस टैंक पे बैठ नहीं पाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पांव रखने पे की भी कहीं पे जगह नहीं मिलती है, सिर्फ लुक, या तो फिर अगर आप बोले आपकी बाइक साइड में गिर जाए तो आपके पांव से पहले नीचे टच करके आपकी थोड़ी सी सेफ्टी को इन्हेंस कर देते, बाकी ये किसी काम की चीज़ नहीं है यार, इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्यूटर सेगमेंट्स में ये लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 110cc का हीरो का वही रिलायबल लॉन्ग टर्म यूजेबल इंजन, जिसकी जो पावर स्पेसिफिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो।
हालांकि ये इंजन काफी हद तक रिलायबल है, लॉन्ग टाइम चलाने में भी काफी आपको किफायती रहने वाला है। माइलेज भी इस बाइक की अप्रोक्स आपको 70 किलोमीटर अगर आप इसे संभाल के और अच्छी तरीके से चलाओगे तो आपको 70 kmpl की माइलेज भी देखने को मिल जाती है, जो कि इस इंजन वाइज काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। फिर भी ये 110 सीसी में टॉप ऑफ द लाइन बाइक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पावर आपको होंडा की जो लीवो आती थी ना उसमें प्रोवाइड कर दी जाती थी। हालांकि इसमें भी उससे थोड़ी ही कम पावर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ हो जाती है रिलायबिलिटी, जो कि हीरो में आपको ठूस ठूस के देखने को मिल जाती है। ये रहा आपका फोर स्पीड गियर बॉक्स सेटअप। नीचे की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी अपग्रेडेशन है कि यहाँ पे भी आपको एक बहुत पतला सा इंजन कवर गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये किस लिए किया ना वो मेरे को नहीं पता। यहाँ पे अगर थोड़ी सी और मोटी ये प्लेट प्रोवाइड कर दी जाती ना तो वो इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी काफ़ी इन्हेंस कर देती। आप देख सकते हो इसकी आवाज़, बट स्टिल ये अपने सेगमेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी साइड एंड पोस्चर के डिज़ाइन की तो उसमें तो कोई भाई साहब बोलने की बात ही नहीं है। डिज़ाइनिंग में हीरो को पता नहीं कोई नया डिज़ाइनर बिठा या कुछ भी, लेकिन अब इनकी बाइक्स की डिज़ाइन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक लगती है। तो टैंक पे यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े अल्फाबेट्स में पैशन के लोगो देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हो आपको स्टिकरिंग में एक्स टेक के लोगो भी देखने को मिल जाती है। अब एक्स टेक फीचर्स हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड FI यानी कि फ्यूल इग्निशन सिस्टम देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको अपनी बाइक में मिनिमम 2-3 लीटर फ्यूल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो रिजर्व वाली सिस्टम आती थी वो अब देखने को नहीं मिलती है। सो प्रोग्राम्ड FI जो आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम है वो आपकी बाइक की माइलेज को भी काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। और एक चीज नोटिसेबल है, अगर इस पैनल गैप को भी इतना ज्यादा रखा नहीं गया होता तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी हद तक इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म के बाद ये बजने की साउंड आना एक छोटी सी बात हो जाती है, क्योंकि ये आएगी आपको यहाँ पे थोड़ी सी तो साउंड रैटलिंग नॉइज देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म के बाद। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको फाइबर में देखने को मिल जाती है। हालांकि पहले के मुकाबले अभी इस फाइबर की क्वालिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। और अगर हम बात करें इसके साइडिंग फ्रेम्स की तो अब ना मैंने पहले जब पैशन की वीडियो बनाई थी जब ये नई आई थी इस लुक में, तो वहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन यार सीरियसली यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपग्रेडेशन आपको मिल जाती है। अपना पूरा दम लगा के हिला रहा हूँ फिर भी कोई भी यहाँ पे ज़रा सा भी आधा इंच भी नहीं हिल रही, यानी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी पे हीरो ने काम तो काफ़ी अच्छा किया है। और अगर हम बाकी की बात करें आगे की तरफ तो आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम यानी कि i3s की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये रहा आपका पैसेंजर फुट रेस्ट, और यहाँ पे भी वही वाला हाल है, जो चेन कवर है उसको बाइक की माइलेज और वेट कम करने के लिए और माइलेज इंक्रीज करने के लिए फाइबर में प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको रियर में भी 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। रियर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा शार्प यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो इसको टेल जाती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस वाली देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको स्टिकरिंग में हीरो की बेजिंग मिल जाती है, और हमने सुपर स्प्लेंडर में देखा हुआ है कि रियर की सीट में कुछ भी रखने की जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप अपनी जो टूल किट है वगैरह कैरी कर सकते हो या फिर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स। बाकी इसके अंडर स्टोरेज सीट जो है उसमें बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें रियर सेक्शन की तो एक चीज़ जो पैशन प्रो में पर्सनली मुझे दिल से पसंद है वो है इसका टेल लैम्प। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रोबोटिक लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यार धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे रियर में भी आपको बल्ब ही जो लाइट है वो सेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपकी लाइट है उसके ऊपर भी इन लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा कवर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इसके लुक को यार काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देता है। हालांकि ये पहले से चला आ रहा है, जो इसका अपग्रेड हुआ था BS6 से उसके बाद ही आपको ये टेल लैम्प देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इसके रियर प्रोफाइल अगर आप देख सकते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर आपको देखने को मिल जाता है, और रियर में भी आपको बल्ब इंडिकेटर ही देखने को मिलेंगे। इस साइड अगर हम बात करें तो रियर में भी आपको 18:100 एक्सपेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस ही देखने को मिलते हैं, और इसका जो साइलेंसर का जो
पोजीशन है वो सेम एज यूजुअल रखा गया है, इसमें कोई अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड नहीं किया गया, आपको स्टिल वही जो पोस्चर है वहाँ पे आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसे कभी भी ज़्यादा पानी वाली जगह पे चलाना चाहोगे तो वो आपको अपनी सेफ्टी देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइलेंसर काफ़ी नीचा देखने को मिलता है ग्राउंड से, तो आप अपने तरीके से उसे देख लीजिएगा अगर इनकेस आपको इमरजेंसी में चलाना पड़े तब। अब ज़्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे जो आपको इसका हैंडल है ना, इसे हम अगर एक स्टैंड बोले तो भी गलत नहीं है, अगर आप रियर में कुछ भी अपना वेट कैरी करके जाना चाहते हो ना, तो यहाँ से उसे रस्सी कस के बांधने में वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा रहने वाला, आप इसे इजीली कैरी कर पाओगे। यानी कि लंबी राइड पे भी अगर आप इसे लेके जाओ, या तो फिर आपका कोई उस तरीके का बिजनेस हो जहाँ पे आपको डेली कुछ वेट कैरी करना पड़ेगा, तो उसकी भी हीरो ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखी है। और अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम वाईफाई की बेजिंग और किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका रियर ब्रेक सेक्शन। अब हम चले जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका राइडिंग पोस्चर भी दिखा दूँ। तो मेरी हाइट 5'11" है, मेरे पाँव ये मेन स्टैंड पे खड़ी हुए फिर भी अच्छी तरीके से नीचे टच कर रहे हैं, तो अगर आपकी हाइट 5'7" या 8" भी होगी तब भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल राइड प्रोवाइड करवाने वाली है। और दूसरी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसका जो टैंक शेप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिससे कि आपके जो पाँव है वो पूरी तरीके से कवर आ जाते हैं। आप देख सकते हो इससे मेरे पाँव काफ़ी ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, तो अगर बाइक कभी गिरी भी ना तो मेरे पाँव की वजह ये सारा लोड जो इसका फ्रंट बॉडी पार्ट है और जो इसका हैंडल पे यहाँ पे साइड में अगर सेफ्टी बार्स प्रोवाइड कर देते ना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता। तो आप इसे एक्सटर्नल भी ऐड करवा लीजिए फॉर अ सेफ्टी रीजंस, ताकि आपकी बाइक गिरे तो डायरेक्ट आपकी आपके हाथों की वजह वो जो इम्पैक्ट है वो ले ले, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट सी चीज़ यहाँ पे हीरो ने प्रोवाइड की है। और बीच में भी अगर आप देखोगे तो इसका सीटिंग सेक्शन है, मैं आपको एक बार उतर के दिखा देता हूँ, उसे यहाँ से ऊपर की तरफ रखा गया है, तो अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करोगे या तो फिर फ्रंट इम्पैक्ट भी कहीं से लगेगा तब भी जो आपका मेन जो बोलते हो आप समझ गए होगे वहाँ पे जो आपको इंजरीज होने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सीट काफ़ी ज़्यादा कुशनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लॉन्ग राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, या तो फिर अगर आप सिटी में डेली 18-100 किलोमीटर की भी राइड करोगे तो इस बाइक की जो सीटिंग पोजिशन है वो आपके लिए कम थकावट प्रोवाइड करने वाली रहने वाली है। थकावट तो होगी क्योंकि कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक है 110 cc की, यहाँ पे आप अगर डेली 100 किलोमीटर भी चलोगे तो इसमें कोई भी बाइक आप ले लीजिए थकावट तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसमें उन सभी के मुकाबले काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको हीरो की स्टिकरिंग बेजिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर अभी हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन बाकी जो हीरो की बाइक आती है उसके मुकाबले अलग है, लेकिन फिर भी ये डिजिटल जो इसका लोगो है वही आपको स्प्लेंडर एक्सटेक्स सुपर स्प्लेंडर वाला या तो फिर दोनों ही बाइक में जो मिलता है वही प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको आपका किलोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड है, ये जो बीच में जो जगह है वहाँ पे आपको आपके स्मार्टफोन की बैटरी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट और मैसेज अलर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप जो है इसका मोड चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए और ट्रिप बी दो ही ट्रिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ आपका जो लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, न्यूट्रल का जो गियर इंडिकेटर्स का लाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, i3s की बेजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपका जो इंजन वार्निंग लाइट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है साइड इंडिकेटर्स, और उसके भी ऊपर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो आपको आपकी हाई बीम लो बीम की जो लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे साइड बाई साइड में आपको आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए एक USB पॉइंट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसके फ्रंट एंड इसकी बात करें तो ये लॉन्ग टर्म पे बजने की प्रॉब्लम काफ़ी सारी गाड़ियों में आती है, लेकिन इसका फिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो लॉन्ग टर्म पे ये आवाज़ करेगा ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें ORVM से, या तो फिर जो कुछ इस तरीके का व्यू जब भी आप ड्राइवर सीट पे होगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो ORVM का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इसका जो रियर व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी पैसिंग लाइट हो गई, यहाँ पे आपको डीपर मिल जाते हैं, नीचे आपका ये साइड इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको हॉर्न भी देखने को मिल जाता है। और इस तरफ बात करें तो यहाँ से आप अपनी i3s सिस्टम ऑन ऑफ जो है उसे कर सकते हो, और नीचे की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको इसकी साउंड नोट सुना देता हूँ, तो यार काफ़ी हैवी साउंड नोट आप सुन सकते हो, हैवी
हैवी और स्वीट सी साउंड नोट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हैंडल्स ग्रिपिंग की बात करें तो क्लच वगैरह सारे ही आपके कंट्रोल्स में रहने वाले, और अगर आपके हाथ कितने भी बड़े हो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, कुशनिश ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जो कि आपको लॉन्ग टाइम में हाथ दर्द की प्रॉब्लम से बचा के रखेगी। तो ओवरऑल अगर हम इस बाइक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार पैकेज अपने साथ लेके आ जाते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, और अगर मैं आपको बता दूँ किस इन मामलों में आपको ये बाइक परचेस करनी चाहिए तो देख लो। पहले तो अगर आपको चाहिए 70 तक की माइलेज, देन ये बाइक अच्छी है, लुक बाइक बेस्ट है, लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी हीरो में कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे आप उसकी भी टेंशन छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डेली की 70-80 किलोमीटर की राइड अगर आप लेते हो और वो कंफर्टेबल राइड, आपको काफ़ी हद तक कंफर्टेबल राइड चाहिए, तब भी ये बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डील साबित होने वाली है। धूप में पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।